तो हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं कुछ ऐसे सुपर हीरोज के बारे में बताऊंगा जो कि मार्वल की टीम एवेंजर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो सुपर हीरो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और कुछ तो इनमें से एमसीयू के मूवीज के अंदर डेब्यू कर भी चुके हैं। लेकिन एक ऐसा है जो कि अभी तक डेब्यू नहीं करा है, हो सकता है वो फ्यूचर के अंदर डेब्यू कर दे अपना भी मार्वल की किसी मूवी के अंदर। और मैं जो जितने भी सुपर हीरोज के बारे में बताऊंगा वो सब बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे। ये इतने ज्यादा पावरफुल है कि इन्होंने अगर अपनी अलग टीम बना ली तो ये एवेंजर्स को टक्कर दे सकते हैं आसानी। तो अगर आपको भी जानने की कौन है ये सुपर हीरोज तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले नंबर पे आता है ये माथे पे बिंदिया लेके घूमने वाला आदमी एडम वॉरलॉक। अब ये जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। अब इसकी पावर हमें ढंग से दिखाई नहीं गई थी वॉल्यूम 3 के अंदर, क्योंकि उस मूवी के अंदर तो ये पैदा ही हुआ था, इसे ढंग से अपनी पावर्स के बारे में पता ही नहीं था। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे चोट पहुंचा पाना बहुत मुश्किल है। अगर से चोट लग भी गई तो ये अपने ककुन में जाकर दोबारा बैठ जाएगा और वहां से 2 सेकंड के अंदर ठीक होकर वापस आ जाएगा। और ये ओरिजिनल 6 एवेंजर्स में से 4 एवेंजर्स को आसानी से हरा सकता है, जो कि होंगे कैप्टन अमेरिका, क्लिंट, ब्लैक विडो और आयरन मैन। आयरन मैन इसे अच्छी खासी टक्कर दे देगा, लेकिन आयरन मैन इसे डिफीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास इसकी अच्छी खासी फिजिकल स्ट्रेंथ है, इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन स्पीड है, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है और रिफ्लेक्सिस एजिलिटीज जैसी इसके पास पावर्स एंड एबिलिटीज है, जिसके दम पर ही किसी को भी डिफीट कर सकता है। और हो सकता है फ्यूचर में भी एवेंजर्स टीम को ज्वाइन करते हुए भी दिख जाए, क्योंकि अभी तो इन्हें गार्डियंस की टीम ज्वाइन करी है, लेकिन फ्यूचर में सारे के सारे सुपर हीरोज एक टीम बनाएंगे ताकि वो कैंग को डिफीट कर सके और उससे मैं ही एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करेगा। दूसरे नंबर पे आता है हमारा घोस्ट राइडर। घोस्ट राइडर जो अभी तक एमसीयू के अंदर दिखाया नहीं गया, मतलब ये एमसीयू के यूनिवर्स के अंदर तो है लेकिन एमसीयू के मेन यूनिवर्स के अंदर नहीं है, मतलब वो एमसीयू के किसी न किसी यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो कि हमने देख भी रखा है। अब इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, क्योंकि इसके हमने सारी मूवीज एंड वेब सीरीज के अंदर देख रखा है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके पास गॉड लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, गॉड लाइक स्पीड है, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी है और इसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है, जो कि घोस्ट राइडर को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देती है। और तो और ये एक कार जितने वेट को आसानी से लिफ्ट कर सकता है। और इसकी सबसे ज्यादा पावरफुल पावर है वैगनेंस स्टेयर, जिसके अंदर ये किसी भी सामने वालों की आंखों में देखकर उसे पजेस कर सकता है, फिर उसे ये आसानी से डिफीट कर सकता है। तो ये अभी तो एमसीयू के अंदर एंटर नहीं कर रहा है, मतलब एमसीयू के मेन यूनिवर्स के अंदर, लेकिन फ्यूचर के हमें ये कंफर्म एमसीयू की मूवीज के अंदर दिखेगा और एवेंजर्स टीम को ज्वाइन करेगा। और तीसरे नंबर पे आता हमारा मून नाइट, यानी मार्क स्पेक्टर। मार्क स्पेक्टर की हमने देख ही रखा है कि किस तरह का सन की आदमी है, कि ये कहीं पर सोता और कहीं पर जाके उठता है। और तो जब ये मून नाइट के अंदर पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो ये एक तरह से किलिंग मशीन बन जाता है, कि ये सामने वाले को अगर इसे मारना है तो मार कर ही रहेगा, फिर सामने जितने भी हो कोई भी हो। अब ये इतना ज्यादा पावरफुल इसलिए क्योंकि इसे ये जो है गॉड का अवतार है, यानी खोनसु का अवतार है। खोनसु जो है वो इजिप्शियन गॉड है, जो कि मून का देवता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हमारा मार्क स्पेक्टर रेगिस्तान के अंदर अदमारा पड़ा हुआ था तो खोनसु उसे देखता है तो उसे इसे एक नई जिंदगी दे देता है, जिससे ये खोनसु का अवतार भी माना जाता है। तो इसीलिए इतना ज्यादा पावरफुल है। इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, एजिलिटी, रिफ्लेक्सिस है। और तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो और भी ज्यादा एनहांस हो जाती है अगर जब आसमान में पूरा चांद निकला हो, जिससे इसकी पावर लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और तो और कॉमिक्स के अंदर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसने खोनसु के कहने पर और उसके नक्शे कदम पर चलने पर एवेंजर्स टीम को भी डिफीट कर रखा है। और हो सकता है मैं आगे चल के फ्यूचर में और भी ज्यादा पावरफुल दिखाया जाए और हो सकता है कैंग को डिफीट करने में बड़ा रोल ले करे, और इसीलिए एवेंजर्स टीम को ज्वाइन करेगा फ्यूचर के अंदर। और चौथे नंबर पे आता हमारा हरक्यूलिस। अब इसके बारे में क्या ही बताऊं, सबको पता है कि ये थोर के जितना पावरफुल है या फिर कहें उससे ज्यादा, लेकिन थोर के बराबर तक का तो होगा, क्योंकि ये ओलंपियन गॉड ज्यूस का बेटा है। अब पूरे ओलंपियन के अंदर ज्यूस से ज्यादा जो पावरफुल है वो यही बंदा है। पूरे ओलंपियन के अंदर इससे ज्यादा स्ट्रेंथ रखने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि हो। एक ज्यूस है जो कि इसकी टक्कर का, लेकिन ये ज्यूस से भी ज्यादा पावरफुल बताया गया हरक्यूलिस। और तो ये हम एमसीयू की मूवी थोर 4 के अंदर दिखा भी दिया गया, जहां पे ज्यूस कहता है इसे थोर को डिफीट करने के लिए, मारने के लिए। अभी आप लोग तो कहोगे कि ये थोर को मारने जा रहा है यानी फिर ये एवेंजर का दुश्मन हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। थोर 5 के अंदर हमें थोर से फाइट दिखाई जाएगी इसकी, लेकिन वो ये थोर 5 का मेन विलन नहीं होगा। हरक्यूलिस की फाइट थोर से मूवी के फर्स्ट हाफ में ही हो जाएगी, लेकिन उसका मेन विलन कोई और होगा, जब इसको पता लगेगा कि इसके बाप की गलती थी ना कि थोर की। तो ये थोर का साथ देगा और मेन विलन को हराने में भी इसका साथ देगा, और ये इसी तरह से एवेंजर्स टीम को भी ज्वाइन कर सकता है। पांचवें नंबर पे आता हमारा सेंट्री। अब सेंट्री जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है एमसीयू कॉमिक्स के अंदर। अब तो आप लोगों को सेंट्री के बारे में नहीं पता होगा, इसलिए इसकी थोड़ी बहुत ओरिजिन बता देता हूं। अब सेंट्री का रियल नेम होता है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, जो कि एक ड्रग एडिक्ट होता है, और इसे एक दिन ड्रग ढूंढते एक लैब में पहुंच जाता है जो कि किसी प्रोफेसर की लैब होती है, जिसने सीक्रेट तरीके से एक फॉर्मूला तैयार किया था सुपर सोल्जर सीरम का, जो कि सुपर सोल्जर सीरम से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और उससे कहीं ज्यादा गुना इफेक्टिव होता है, जिसका नाम होता है गोल्डन सेंचुरी सीरम। अब ये जो है उसे ड्रग समझ लेता है और उसे अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेता है, तो इसके अंदर कई सारी सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती है, जैसे कि इसके पास उड़ने की पावर आ जाती है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी आ जाती है और एनर्जी प्रोजेक्शन जैसी बहुत सारी पावर्स एंड एबिलिटीज इसके अंदर आ जाती है।
तो ये सब पावर्स आने के बाद ये जो है सोचता है पहले कि ये बुरा आदमी था, लेकिन अब इन पावर्स के आने के बाद एक अच्छा आदमी बन जाता है जो कि अपनी पावर्स को अच्छे कामों के लिए यूज करता था। और ये भी जो है बहुत ही जल्द एमसीयू के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके अभी रूमर्स उड़े थे कि एमसीयू की इटर्नल्स 2 के अंदर शायद दिख सकता है, या फिर पता नहीं कौन सी मूवीज थी उसके अंदर दिखने की चर्चा हो रही थी इसके ऊपर। ये भी बहुत ही जल्द एवेंजर्स टीम को ज्वाइन करने वाला है। तो ये थे गाइस कुछ ऐसे 5 सुपर हीरोज जो कि बहुत ही जल्द एवेंजर्स टीम को ज्वाइन करने वाले हैं, और ये जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हर एक सुपर हीरोज एवेंजर्स टीम को ज्वाइन करने के कैपेबल है, और इनको एवेंजर्स टीम भी ज्वाइन करनी होगी आगे फ्यूचर के अंदर। अगर ये कैंग डायनेस्टी से पहले दिख गए तो ये सारे के सारे एक टीम बन जाएंगे कैंग को डिफीट करने के लिए। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।